डे माय बटरफ्लाई के साथ सब ठीक। आज हम देखेंगे वीक इफेक्ट, पर ये थोड़े अलग है। मतलब जेके के फैक्ट फनी थे ना, पर वी के कुछ फनी हैं, कुछ इमोशनल। वी यूनिक है ना, इसलिए उनके फैक्ट भी यूनिक है। एनीवे लेट्स स्टार्ट। वी जब ट्रेनिस थे तब वो BTS को छोड़ना चाहते थे, ऐसा वी ने TVN के इंटरव्यू में बताया। यस, किसी भी एडर के लिए ट्रेनिंग का समय बहुत हार्ड होता है। वी के लिए भी था। हर वीक वी के पापा उनसे मिलने आते थे, तब वी ने अपने पापा को अपने दिल की बात कही थी। वीडियो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो ब्लॉक हो जाती है, पर यहाँ वी कह रहे कि मैंने रोते हुए पापा से कहा था कि ट्रेनिज होना बहुत मुश्किल है, मैं छोड़ना चाहता हूँ। तब पापा ने मुझसे कहा, अगर ये मुश्किल लग रहा है तो तुम छोड़ सकते हो, बाहर बहुत सारी जॉब हैं, कोई नहीं तलाश करेंगे। मुझे ये सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने सोचा मैंने ये क्या कह दिया। पापा के शब्द मेरे दिल को छू गए थे। फिर मैंने और मेहनत की। अच्छा है वी, तुमने बैंड नहीं छोड़ा, नहीं तो BTS अधूरा रह जाता। 2020 में वी और जिमिन ने ग्लोबल साइबर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और अमेजिंग आइडल के लिए दोनों को ही प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट, वी को कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। वी का कहना है कि कॉफ़ी कड़वी होती है, उन्हें सिर्फ चॉकलेट मिल्क पसंद है। कॉफ़ी इतनी कड़वी तो नहीं होती। खैर, सबका अपना अपना टेस्ट। वी पानी के अंदर 1 मिनट और 27 सेकंड तक बिना सांस लिए रह सकते हैं और मैं 30 सेकंड भी नहीं रह सकती। इस रन एपिसोड में वी को 1 मिनट 30 सेकंड तक पानी के अंदर रहना था, जो वो रहे भी, और इस वजह से उनकी टीम जीती। हारम बोल रहे हैं क्या, त्योंग डक जैसा नहीं है। हाँ सच में वी के स्ट्रॉन्ग लंग्स है। वी ने 3 साल तक सैक्सोफोन सीखा था। वी एक सैक्सोफोनिस्ट बनना चाहते थे। वी ने 2020 में फिर से सैक्सोफोन बजाने की क्लास ली। वी दूसरों को माफ करते हैं तब भी जब दूसरे ने जानबूझकर गलती की हो। ये स्टोरी आपको पता होगी, वी ने अपनी लाइफ में बताया था कि जब वो प्राइमरी स्कूल में थे तो उनके दोस्त ने अपने बर्थडे पार्टी में वी को बुलाया था, पर जगह नहीं बताई थी कि कहाँ आना है। फिर भी वी हाथ में गिफ्ट और कार्ड लिए रोड पर खड़े रहे। बार बार उस दोस्त को फ़ोन लगाया पर उसने नहीं उठाया। वी लगभग 3 घंटे तक रोड के किनारे खड़े रहे। लास्ट में वी ने फिर से कॉल लगाया, इस बार उस दोस्त ने एड्रेस बताया। वी वहाँ गए और कार्ड अपने दोस्त को दिया, फिर सीधा रोते हुए घर आ गए। बाद में वी को पता चला कि वो दोस्त वी से बहुत जलता था। फिर उसके बाद उस दोस्त ने भी वी से माफ़ी मांगी और डेब्यू के बाद वी दोबारा उस दोस्त से मिले और वी ने उस दोस्त को कॉफ़ी पिलाई। तो वी का ऐसा मानना है कि इंसान को माफ़ करके भूल जाना चाहिए। नेक्स्ट, वी दोनों हाथों से लिख सकते हैं, खा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, और हाथों से अमेजिंग ट्रिक भी करते हैं। यहाँ कितने लोग ये कर सकते हैं। और बहुत आसानी से एक हाथ से ही चीजें कैच कर लेते हैं। वाव, नाइस कैच। ऑसम। वी अपने कानों को हिला सकते हैं। देखा आपने वी के कान को मूव करते हुए।
नेक्स्ट, वी को वियर्ड फेस बनाना बहुत पसंद है जो वो अक्सर बनाते हैं। आरएम के पीछे डेब्यू से पहले वी को स्टेज नाम के लिए 3 नाम सजेस्ट किए थे, लेक्स, सिक्स और वी। लास्ट में त्योंग ने वी चूज किया क्योंकि वी विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। वी को बच्चे बहुत पसंद है। जब वी 16 साल के थे तब वी ने कहा था कि उन्हें 5 बच्चे चाहिए। कितने खुश हो रहे हैं बच्चों को देखकर। यहाँ जेके, जेहोप, जिन रोते हुए बच्चों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो बच्चा और ज़्यादा रो रहा है। फिर वी ने उसे एक सेकंड में हंसा दिया। वी एंजल परी पर बहुत भरोसा करते हैं और अक्सर एंजल से प्रार्थना करते हैं। मुझे एंजल से बात करने की ज़रूरत है। एंजल ने कहा मुझे 2 या 3 नंबर में से एक चूज करने की ज़रूरत है। यहाँ भी प्रे कर रहे हैं। रॉक पेपर सीजर इसके लिए भी प्रेयर। और सबसे एंड में वी अपनी भावनाओं को दिखाने से नहीं डरते हैं। अगर वो सैड फील कर रहे हैं तो वो सबके सामने भी रो लेते हैं बिना किसी की परवाह किए। रोने वाले इंसान कमजोर नहीं होते हैं, प्योर हार्ट के होते हैं, है ना। He is really innocent man. Okay then, वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।